लोग सब इधर आइए। ओए, ये तो देव भैया की गाड़ी है। क्या? हाँ। देव भैया, गाइस देव भैया यहाँ है। पुश, पुश, पुश। देव भैया। देव भाई। Hi. What the hell is this? ऐसा तूफान कभी जिंदगी में नहीं देखा मैंने। ऐसा लग रहा था हवा में हूँ मैं। Same मुझे तब लगता जब मैं चार पैक लगाता। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी जमीन से ऊपर जा रही है हवा में। Anyways, forget it. मुझे बाहर से मिलना था, ऐसा कहा था मैंने। तूने कौन सा एड्रेस दे दिया मुझे? भाई एड्रेस की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इस जंगल का, तभी तो तुम घूम गए। एग्जैक्टली, और माँ ने कहा था तुम हमारे साथ यहाँ आओगे क्योंकि तुम इस जंगल में हमारा ख्याल रखो। एक मिनट, माँ ने कहा था ख्याल रखने को? अब एक कहते, माँ को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। अगर उन्हें पता चला ना मैं इंडिया में हूँ, ख्याल रखने को नहीं कहेंगी, तेरी खाल उधेड़ देंगी। ब्रो ब्रो ब्रो, रोहन झूठ नहीं बोल रहा है, इसे तुमसे फिर से थोड़ी ना पिटना है। ऑब्वियसली। रियली? हाँ देव भाई, रोहन ने बड़ी माँ से पूछ लिया। तूने माँ को बता दिया? अरे इट्स ओके। अरे नहीं, वो मुझे बाहर से मिला ना पहले। चलो, रो भाई, फॉलो अस। चलो आपने ये पूछा था भगाने के लिए की थी या बुलाने के? शांत रहिए। अरे हरे जगह से सांप आ रहे, कुछ करो। हमसे हवन में जरूर कोई गलती हुई है। ये सब पंडित जी की वजह से हुआ है, जरूर इन्होंने कोई उल्टा मंत्र पढ़े हैं। हाँ, और उल्टा में यहाँ पे फंसा दिया, अब बाहर भी नहीं जा सकते। पंडित जी, ये सब आप ही की गलती है। शांत हो जाओ माधव, शांत हो जाओ। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। हमसे कोई भूल हो गई तो माफ करो, हमारे परिवार की रक्षा करो भोलेनाथ। काफी जबरदस्त पार्टी का प्लान है। अभी तो भाई वेट एंड वॉच। मानस, तेरी खुशी के कुछ दिन तो बचे, जी ले यार। फोन किससे क्या होगा भाई? ये सब तेरे मजे के लिए तो है। हाँ, उसके मजे के लिए या खुद के मजे के लिए किया है? बट भाई, डोंट बी सो बोरिंग ना, जॉइन अस, कम ऑन। इसमें बोरिंग क्या है? चलो ना, वैसे भी मैं ऐसी पार्टियां रोज प्लान नहीं करता, स्पेशली फॉर यू। फॉर मी? कम ऑन। एक मिनट, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो हेलो, भाग मत जाना, नहीं चल। हेलो, तुम अंदर नहीं जा सकती, कोई भी बहाना बनाओ और निकलो वहां से। उस वृंदा को बोलो तुम नहीं जा सकती अंदर। जल्दी, समझी? हाँ, कनिका, चलो ना अंदर। नहीं, आई थिंक यू कैरी ऑन, मैं गाड़ी में ही रुकूंगी। हाँ, पर मनस अंदर। नहीं,
मानस को मत बताना कि मैं आई हूँ, प्लीज। बाकी मुझे मेरे फियांसे से क्या कहना वो मैं खुद देख लूंगी, तुम जाओ, गो, कम। अबे क्या किया हुआ है तूने? क्या बहन लिया है तूने? क्या थीम पार्टी नहीं है? तुझे क्या लगता है? ओह, आज सुपरमैन अपनी वंडर वुमन की खोज में निकला है, क्या बात है। अबे छुपा क्यों रहा है? सुपरमैन के असली पास उसी में तो है। हाँ हाँ, दिखा अपनी सुपर पावर्स। शट अप यार, मुझे लगा थीम पार्टी होगी। ओए ओए, रुक 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 रुक, बैठ जा मेरे सुपरमैन। ओके गाइस, अब तो सुपरमैन भी यहाँ पे है, अब किस चीज का वेट हो रहा है? लड़कियों का। वाओ, तूने डांसर्स बुलाई हैं? और क्या भाई, पटाखा होगा, तभी तो धमाका होगा। ये क्या हो रहा है? ये भूतिया बंगला है क्या? गाइस चलो यार यहाँ से। वृंदा तू यहाँ क्या कर रही है? वो बड़ी माँ ने भेजा था तुम लोगों को देखने के लिए कि कहाँ हो। अब ये जाके सब बता देगी घर में। तुम लोगों को पता भी है वहाँ पे सब कितने परेशान हो रहे थे, एक बार बता के ही आ जाते। ब्ला ब्ला ब्ला, अपनी बकवास सब बंद रखो, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान को हम एंटरटेन नहीं करते। बट तुम आ गई हो, अब हमारे काम आओगी। जाओ बाहर जाओ और गार्ड बन के खड़ी रहो। या एंड ध्यान रखना कि कोई बाहर से अंदर ना आ पाए, इट्स अ फैमिली पार्टी यार। तुम कौन हो? ये रोहन है डफर, वृषाली मम्मी का बेटा, बा का पोता, और ये वो है जिसकी तुम्हें हर बात माननी होगी। नहीं, हर बात नहीं, हर हुक्म मानना होगा। एंड रिमेम्बर, अपना छोटा सा मुंह ना बड़ी मम्मी के आगे नहीं खोलना, ओके? अरे पंडित जी, कुछ मंत्र वंत्र पढ़िए ना, निकल ही नहीं सबको। और ये इतने सारे सांप आ कहां से रहे हैं? जबकि हम पूजा तो बड़े सच्चे मन से कर रहे थे, फिर ये सांप हमको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहते हैं? जबकि हमने तो इनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। अरे इनका क्या, हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ओम अनंत नागाय नमः स्वाहा। ये सर्प शास्त्र से अभिमंत्रित लक्ष्मण रेखा है, इसे कोई भी नाग और नागिन पार नहीं कर पाएगा। आप लोग जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से निकल जाइए। वृषाली, क्या कर रही हो वृषाली? चलो। ये अच्छा शकुन नहीं है, हवन अधूरा रह गया। आकाश, ये अश्लेषा बल पूजा हमने देव के लिए रखी थी, उसकी रक्षा के लिए। देव को कुछ नहीं होगा वृषाली, कुछ नहीं होगा, ये पूजा दोबारा भी हो सकती है। अभी हमारे यहाँ से निकलना जरूरी है वृषाली, चलो चलो। कोई नहीं बचेगा, कहा था ना मैंने कि मैं लौटूंगी तुम सबका बुरा वक्त बनकर, महाकाल का भेजा काल बनकर लौटूंगी। तो लो मैं लौट रही हूँ, मेरे साथ मेरी नयनतारा भी। क्या सोचा तुम सबने, हवन में आहुति देने से 25 साल पुराने पाप से मुक्ति पा जाओगे तुम, नागिन के बदले से उसके श्राप से मुक्ति पा जाओगे? कभी नहीं। अब तो बस एक ही चीज तुम सबको मुक्ति देगी, तुम्हारी मौत। ये तो सिर्फ शुरुआत है, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम सबका अंत आ गया है। साइक्लोन की वार्निंग हट गई है, पर खतरा अभी भी। ये न्यूज वालों को कुछ काम नहीं है क्या? मतलब कुछ भी, अंदर इनकी बकवास झेलो, बाहर यहाँ की बकवास देखो, क्या ही हो रहा है पता नहीं।
ठीक से, अच्छे से, नहीं तो तुम्हारी तनख्वाह कट जाएगी। एंड बाय द वे, तुम्हारी जगह मैं होता ना तो फार्म हाउस को गार्ड करने से पहले ना खुद को गार्ड करता। वैसे गार्ड करने लायक ना तुम में कुछ है भी नहीं। इसकी तो समझता क्या अपने आप को? मुझे तो लग रहा है बड़ी माँ को फोन करके ना सब बताई देती हूँ कि ये लोग यहाँ हैं और ये लोग क्या क्या करने वाले हैं, इनकी पूरी पोल खोल देती हूँ मैं। वो तो इस वक्त पूरी फैमिली हवन कर रही होगी, इसलिए मैं उन्हें परेशान नहीं कर रही, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। नहीं तो मुझे तो गुस्सा इतना आ रहा है ना स्पर्श पे कि कैसे ना कुंफू कराटे सीख के उसी का मुंह तोड़ दूं ऐसे ना। मम्मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ए, कहां, क्यों, कैसे, कौन? पीछे पीछे डो, पीछे डो, आगे बताना, मार मार दूंगी। कौन हो तुम? मुझे लग रहा है तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं लड़कियों को हाथ भी नहीं लगाता, आई एम अ गुड गाय। हाथ लगा भी नहीं सकते, समझे? मैं लगाना चाहता भी नहीं हूँ। चाहते तो भी नहीं लगा सकते, कर्नाटक में ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। ये जो बार बार बोल रही हो ना उससे ये वार्निंग कम ग्रीन सिग्नल ज्यादा लग रहा है कि मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा। ए, शट अप, ज्यादा बात घुमाने की कोशिश मत करो। देखो तुम जो भी हो ना अभी के अभी वापस लौट जाओ, अकेला मत समझना मुझे, मेरी पूरी फैमिली अंदर है। तुम्हारी फैमिली अंदर है? जी। तुम बाहर क्या कर रही हो, चौकीदारी? हाँ, नहीं, प्रोटेक्ट कर रही हूँ मैं उनको। प्रोटेक्ट कर रही हो ऐसे ये कार्टून बन के? लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें ब्लैक बेल्ट तो क्या लेदर बेल्ट भी नहीं मिलेगी। क्या समझे तुम? मैं बोल रही हूँ क्या कर रही हो तुम? मैं बोल रही हूँ तुम अंदर अंदर, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। यू गेट क्रैशर, अंदर जाने की कोशिश मत करना, मैं मार पड़ूंगी। कहाँ अंदर जाओगे तुम? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बचपन में कोई चोट वोट लगी थी क्या सर पे? क्रेजी वुमन, ये क्या हो रहा है? देव भाई, क्या हुआ? देव होगा अपने घर में। ब्रिंदा, आर यू गाइस फाइन? ब्रिंदा, देव, चर्बी का है तुम्हारी? इसने 27 किलो जो कम किया है। एनीवेज, देव भाई चले अंदर। या, लेट्स गो। चलो। नहीं, वो गार्ड करने के लिए बोला ना मुझे, तो हम ओके। गार्ड करोगी? हाँ। ऐसे? What, you okay? Listen, you okay? But evil spirits are not okay. वो कह रही है कि मरने के बाद तो चैन से जीने दो। इसके कुंफू कराटे मत दिखाओ। Come on, come on, come inside. तो गाइस, आज हमारा भाई सूली चढ़ने वाला है जो हमसे तो देखा नहीं जाएगा। सो वी हैव फॉर हिम द परफॉर्मेंस ऑफ द मिलेनियम। एवरीवन रेडी? ये इतने सारे लोग कब आए? You were right, नयनतारा, तुम सही थी। इन लोगों को यहाँ पार्टी करनी थी। और ये मानस, छी, just look at him.
Hey, what's up? हम पहले मिले हैं क्या? इतना attitude? अबे क्या आ कर रहा है ब्रो? वैसे भी तेरी फियांसे यानी फ्लर्ट करने में क्या जा रहा है? Do it bro and let her know कि अब आगे भी ऐसी चलेगा, क्योंकि अमीर आदमी होने का यही फायदा है कि हम किसी का भी फायदा उठा सकते हैं जब चाहे वैसे। चलो उठाएं फायदा फिर। Let's go. क्या हुआ? आता हूँ। इतने शोर में बड़ी माँ को फोन कैसे करूं? ए, केली क्यों खड़ी हो? पार्टी में आई हो तो पार्टी का पार्ट बनो ना। कम कम विद मी। अरे सब डांस कर रहे हो तुम यहाँ। और ये नागिन नाच तो तुम्हें याद होगा, क्योंकि 12 साल पहले वाले देखो जो कि 27 किलो ओवरवेट था उसे सब याद है। तुम्हें याद है कि नहीं? ए बाय द वे मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही थी, हां जस्ट सो यू नो। लेकिन मैं तो चिढ़ा रहा हूं ना। तुम थोड़ा सा डांस करके दिखाओ, दिखाओ कि वो स्पिरिट तुम में अभी है कि नहीं। ए स्पिरिट की बात मत करना। हां स्पिरिट बहुत है मेरे में, पर हां अब मैं वो वाली वृंदा नहीं रह गई जो देव की बातों में आ जाती थी। ओके अब इस वृंदा को कोई नचा नहीं सकता, चाहे वो फॉरेन रिटर्न देवी क्यों ना हो। ओके समझा मैं। मानस कौन है ये लड़कियां? कनिका तुम यहां, तुम तो बाहर थी ना। ओ शट अप वृंदा, तुम इन लोगों को कवर अप मत करो। स्टे आउट ऑफ इट। टेल मी मानस, हु आर दीस चिक्स? तुम इन लड़कियों के साथ डांस करने के लिए मुझे बीच रास्ते छोड़ा है ना? यू आर अ लायर, यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ फॉरवर्ड। मैं तेरा बिल्कुल ठीक कहती थी, तुम में से कोई भरोसे के लायक नहीं, कोई नहीं है। तुम सबसे बड़े धोखेबाज हो, इसीलिए आजमा रही थी मैं तुम्हें। See what you did, see what you did. You failed, Manas. You failed me. Sorry, sorry, sorry. ये जो कुछ भी हुआ ना उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। It's my fault. ये सब मैंने अरेंज किया है। All these girls, they are my girlfriends. Yeah, all of them. इसकी गलती नहीं है। मैंने उन्हें कहा था कि इसके साथ थोड़ी मस्ती करें, मजाक करें। I'm really sorry. Sorry. क्या तो पहले बोलना था ना? लड़कियों से पहले कौन बोल पाया? बट आई एम रियली सॉरी। ओह गॉड, आई एम सॉरी गाइस। बहुत हो गई पार्टी, बहुत हो गया नाच गाना, पार्टी इज ओवर। गिव मी माय कीज, मुझे बाहर से मिलने जाना, और तुम लोग भी ये पार्टी खत्म करो और जाओ। और तुम लोग, तुम भी चलो। बेल जा रही है, पर ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? ऐसे तो कभी नहीं करता। मैंने देव से कहा था पूजा के बाद मैं उससे बात करूंगी। विशाली रिलैक्स,
कुछ नहीं हुआ देव को, सब ठीक है। ऐसे टेंशन लेकर तबीयत खराब कर लोगी अपनी। दीदी आकाश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बेकार में टेंशन लेके अपना बीपी बढ़ा रही हैं। देव बिल्कुल ठीक होगा, नहीं तो हर्ष को सबसे पहले पता चल जाता। आप तो जानती हो कि देव और हर्ष कितना क्लोज है, आपके रोहन से भी ज्यादा। दी हेलो रजत, थैंक गॉड तुम्हारा फोन आ गया। मुझे इतना सब कुछ बताना है ना तुम्हें। यू नो व्हाट, आई ऑलमोस्ट पंच देव। व्हाट, क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ मैंने उसे ऑलमोस्ट मुक्का मार दिया था यार। अरे पर वो तो मंदिर नहीं आने वाला था ना। हाँ तो मैंने कब बोला मैं मंदिर में हूँ। anyway, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि मैंने देव को पहचाना ही नहीं। तुम्हें मैंने बताया था ना बाकी रूम में उसकी बस एक ही फोटो लगी हुई थी, वो भी तब की जब वो 3 साल का था। हाँ हाँ और वो बहुत मोटा था। पर और अब नहीं है। अपेरेंटली उसने कोई 27 kg वेट लूज कर दिया यार, और अब तो वो किसी मॉडल जैसा दिखता है, बड़ा हैंडसम हो गया है। अच्छा तो बहुत ही गुड लुकिंग और डैशिंग भी है। हाँ अब तुम और ऐसी बातें कर लो ताकि मैं एक सेकंड में फोन रख दूँ। रख दूँ? अच्छा अच्छा बाबा, I'm sorry, I'm really sorry. I know तुम ऐसी लड़की नहीं हो। अब तुम मुझसे engaged हो इसलिए तुम इधर उधर देखोगे भी नहीं। But अगर मुझे कोई खूबसूरत लड़की दिखी ना मैं जरूर देखूंगा। हाँ हाँ वैसे भी मैं तुम सबको जानती हूँ, इसीलिए इन सारे लड़कों ने भी मुझे बाहर खड़ा रखा क्योंकि उन्हें अंदर ये सब करना था, सारी लड़कियों को ताड़ना था। नहीं इन लोगों ने तुम्हें इसलिए बाहर खड़ा किया क्योंकि ये तुम्हें नौकरानी समझते हैं, घर का सदस्य नहीं। I don't know why you don't get it. रजत यार प्लीज, मतलब अभी मेरी माँ काफी है ये सारी बात करने के लिए, तुम मत बोलो यार। और आकाश अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, दैट्स इनफ, मुझे बाकियों से कुछ लेना देना नहीं। ओके और आकाश अंकल की भाई क्या क्या नाम है उनका? बड़ी माँ। एग्जैक्टली बड़ी माँ, उन्हें अगर पता लग गया देव आ गया और मैंने उन्हें नहीं बताया तो मेरी जान ले लेंगी। गाइस इजी इजी, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। इतना अच्छा प्लान था हम सब लड़कों ने, सब मूड खराब कर दिया यार। ये नैन तारा कहाँ है? आई स्वेयर आई डोंट नो वेयर शी इज। आई डोंट नो, अबे तुझे ये नहीं पता कि तू खुद का है? देव अंदर ही है, ही विल गेट हर, डोंट वरी। ओके चलो फिर। चल ड्राइवर चलो। तुम लोग चुप रहो यार। By the way guys, वृंदा कहाँ है? उसको नहीं लेके जाना? ओए मेरे को साफ़त को कहीं नहीं लेके जाना, उसे यहीं छोड़ दो। वो भी हमेशा के लिए छोड़ दो। ड्राइवर तुम रुको। वृंदा वृंदा चले, सब लोग जा रहे हैं ना? हाँ आई गेस सब गाड़ी में वेट कर रहे होंगे। ये सच है या झूठ? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? आई मीन तुम्हें झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? हर झूठ कुछ पाने के लिए नहीं बोला जाता, कुछ झूठ कभी कभी कुछ छुपाने के लिए भी बोले जाते हैं। जैसे तुमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वो लड़कियां तुम्हारी फ्रेंड्स हैं। वो लिसन, यहाँ कुछ बुरा नहीं होने वाला था, ये बस एक बैचलर्स पार्टी थी। आई एम श्योर कि तुम भी अपने फ्रेंड्स के लिए करती फन के लिए, बट आई गेस कि तुम काफी बोरिंग हो इसलिए तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होंगे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, है ना? तुम ऐसा अज्यूम कैसे कर सकती हो? तुम मुझे जानती भी नहीं हो। तो जान लेते हैं, गाड़ी में बात करें। श्योर तुम बाहर वेट करो, मैं वृंदा को ढूंढ के लाता हूँ। वृंदा ये आवाज कहाँ से आई? कौन है बाहर? अकेली ना छोड़ जाओ। देख के नहीं छोड़ सकते थे क्या? मुझे इंजर करने की कसम खा के रखी है क्या तुमने? तुमने मुझे डराया है दोबारा। और तुम डर गई? तुम तो पंडित जी की लड़की हो यार। हाँ तो उसे क्या होता है? तो कुछ नहीं, वैसे पंडित जी को पूजा का फल अच्छा मिला है। यू हैव टर्नड आउट रियली वेल। लिसन मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ तो डरा रही हो मुझे? नहीं बस बता रही हूँ, पता होना चाहिए। वैसे करता क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड? काम करता है और मुझसे प्यार करता है, वो मेरा चाइल्डहुड रोमांस है पता है। आई नो। वैसे क्या सोचा है तुमने, लिव इन में रहोगी या फिर स्ट्रेट अवे शादी? ऑफ कोर्स स्ट्रेट अवे शादी करूंगी, और जब भी करूंगी ना उसी से ही करूंगी। पता था मुझे
बिल्कुल बहन जी टाइप हो तुम। मेरे टाइप की भी नहीं हो, इसलिए कभी सोचना मत कि मैं तुम पे हिट कर रहा हूँ, बल्कि तुम ही मुझे हिट करती जा रही हो। रियली? अब चलना नहीं है क्या? यही रह जाओगी? हाँ। तुम चलो, मैं आती हूँ। दो मिनट रुकूंगा, नहीं तो बाय बाय। एक मिनट में आऊंगी। लेट्स गो। हाँ बस वो वृंदा भी आ रही है, वो भी साथ चलेगी। नहीं आई मीन वो हमारे साथ नहीं जा रही है। तुम्हारी दो पियक्कड़ बहनें वो लेने गई हैं और वो सब हर्ष के साथ आएंगे। वृंदा भी? रियली? ओके देन हम चलते। अब ये उनसे वो छीनेगी जिससे वो सब लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे पता है वो वृषाली सबसे ज्यादा प्यार अपने इस बेटे से करती है, इस देव से। ये घूर रही थी क्या? व्हाटएवर। हेलो बड़ी माँ। वृंदा मैंने तुमसे क्या कहा था, जैसे ही बच्चों के बारे में पता चले मुझे खबर कर देना। ओनो, बड़ी माँ को पता लग गया। वृंदा, हेलो, बड़ी माँ गलती हो गई, सॉरी। गलती? ये तुम्हें छोटी मोटी बात लग रही है? यहाँ मेरी जान निकल गई है। मुझे लगा देव को। नहीं, देव को कुछ हुआ ही नहीं, बड़ी माँ वो तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। बस मैं उसे पहचानना भूल गई, सॉरी। लेकिन एक मिनट, तुम किसे पहचान नहीं पाई? कौन है वहाँ? बड़ी माँ, देव आपका बेटा। क्या क्या बकवास कर रही हो? देव वहां कैसे हो सकता है? देव तो कतर में। तुम उसे कहां मिली? वो अटोरा फार्म हाउस, यहीं पर है सब। बड़ी माँ वो बाहर मेरा वेट कर रहे हैं, मैं बस जा रही हूँ। हेलो बड़ी माँ, हेलो आकाश। ये किसने बंद कर दिया? लिली, हर्ष, स्पर्श, कोई है? सब चले गए। ओह नो। या स्ट्रेट एंड देन राइट। ओके। इन जंगली रास्तों के बारे में काफी कुछ पता है तुम्हें। फार्म हाउस इसी रास्ते से गई थी ना, इसीलिए याद है। ओह लाइक दैट। वैसे जीपीएस होता है ना आजकल, तो मैं तो कोई रास्ते याद ही नहीं रखता। मैं कुछ नहीं भूलती, मुझे सब याद रहता है। रियली? तो तुमसे तो बच के रहना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा हर झूठ पकड़ लूंगी मैं। लिसन, शायद तुम रियलाइज नहीं कर रही हो, लेकिन तुम बार बार मुझे झूठा बोल रही हो। डोंट माइंड, झूठ तो हम सभी बोलते हैं ना। हम सबके पास अपने अपने रीजंस होते हैं, तुम कोई अलग नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भी हम में से ही एक हो? नहीं, मैं तुम जैसी नहीं। ऐसे कैसे? अभी तुम ही तो कह रही थी कि हम सबके अपने अपने झूठ होते हैं। सो टेल मी, तुम्हारा झूठ क्या है? व्हाट्स योर लाइ? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी, मेरा गला सूख रहा है। ये झूठ है या सच? सॉरी, ये तो खत्म हो चुका है। अब यहां पर पानी मिलना तो लेट मी चेक इन द डिक्की। मैं क्या? पानी यहाँ पास में एक झरना, मैं आती हूँ। लिसन, मैं भी चलता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, तुम यहीं रुको। बट हेलो, आकाश। हाँ हाँ
वैशाली क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? भाभी भाभी क्या हुआ भाभी? देव देव इंडिया में देव अटोरा में हे भगवान, मेरे मना करने के बाद भी ये लड़का आकाश तुम्हें तो तभी हवा ना धुरा रह गया। आकाश आकाश कुछ करो, कुछ करते करते हैं, कुछ करते हैं, रिलैक्स। पर ये लोग हैं कहाँ? अटोरा फार्म हाउस पे। देव पे जरूर कोई आफत आने वाली है, इसलिए वो यहाँ आया है। मुझे मुझे अभी क्या भी आना चाहता है। भाभी 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 सुनो तो सही। भाभी अरे बात करो भाभी। नहीं नहीं दीदी, माधव आपको ले जाएगा। हाँ पर देव के बच्चा थोड़े है, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो वैशाली? क्योंकि उसमें साया है। उसना उस नक्षत्र का असली नक्षत्र का साया है उसमें। पंडित जी आपने मुझसे कहा था आपके पास देव की रक्षा के लिए कोई उपाय है। हाँ, वो एक अभिमंत्रित भभूति है। प्लीज मुझे वो भभूति दीजिए, इससे पहले कि कोई अनहोनी हो जाए। और मेरे बच्चे, नहीं नहीं, हे भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना। भोलेनाथ मेरे देव की रक्षा करना, हे भगवान रक्षा करना भगवान। बा माफ करना, अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है ना वो आपके वजह से हो रहा है। ना देव को बुलाती ना देव आता, सारी गलती आपकी है। मगर मैंने कहा देव को बुलाया बहू? बा आपने नहीं, पर आपके आंसुओं ने उसे बुलाया ना वापस। उस दिन इतना दुखी हो के उससे फोन पे बात करने की क्या जरूरत थी आपको? आकाश प्लीज पता लगाओ कि देव कहाँ है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। हाँ, हाँ। कहीं वो किसी खतरे में ना। हो
हवन अधूरा रह गया और अब उसका फोन नहीं मिल रहा। रुशाली बहन, मैं मंदिर ही जा रहा हूँ, आज देव बेटे का ग्रह गोचर बिगड़ा हुआ है। देखा, मैंने कहा था। रुशाली, कुछ नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा देव के साथ। पंडित जी, मैं भी चलता हूँ। रुको रुको आकाश, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ चल। मैं भी जाती हूँ, बाहर के लिए जा रही है ना। वो लौट आई है, वो इच्छाधारी नागिन लौट आई है। भाभी आप फिर से? हाँ भाभी, और ऐसी कोई अनहोनी भी तो नहीं हुई है जो आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं कोई अनहोनी होने का इंतजार करूं? नहीं वो नहीं। मेरा बच्चा देव, मैं जा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को ढूंढने जा रही हूँ, उसे बचाने जा रही हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे देव की रक्षा करना। हे भगवान, मेरे देव को सही सलामत घर लेके आना। भगवान, सुनो, सालों पहले जो उन्होंने नागों को मारा, धीरे, सालों पहले उन जो नागों को मारा था वो ठीक था? बिल्कुल था, सही भी और जरूरी भी, वरना मैं गलत का साथ देता क्या? जो कुछ भी हुआ, हवन भंग हो गया, उसे तो यही पता चलता है ना कि सालों पहले जो हुआ वो गलत था। मैं कुछ कह रही हूँ, अच्छा सुनो, मैं अगर कोई इच्छाधारी नागिन थी और उसकी कोई बेटी थी तो वो बेटी तो अब बड़ी हो गई होगी। निशाली दीदी आ गई। हे नंदा, प्लीज उनके साथ उनके कन्हैया को भी भेज दे ना, ना हमारी तो आफत। ए रोहन, ये सब बात नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोग सब लोग थे कहाँ? हाँ भाई, तो तुम लोगों में से किसी को भी अकल नहीं है कि फोन करके बता दे कि तुम लोग कहाँ हो? अरे रसिक अंकल, चल ना, हम सब आ तो गए। हाँ, विशाली दीदी को फोन करो, बोलो ये सब आ गए। एक सेकेंड, गीतांजलि, देव, देव, क्या देव नहीं आया? डैड, वो बृंदा और नयनतारा के लिए रुक गया था तो वो हमारे साथ नहीं आया। हे भगवान, सारे बच्चे घर आ गए, एक देव ही नहीं लौटा, पता नहीं कहाँ रह गए। माँ मुझे माफ कर दीजिए, माँ मैं खुद ही नहीं समझ पाई ये सब हुआ कैसे, हमारा हमला कैसे नाकामयाब हो गया मुझे नहीं समझ आया। इतने सालों से पारिक परिवार की हर हरकत पे नजर रखी हुई थी, हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई माँ। मैं कैसे नहीं समझ पाई कि उस परिवार में एक इच्छाधारी नाग है और वो और कोई नहीं देव है। पता नहीं मैं क्यों नहीं समझ पाई मुझसे इतनी बड़ी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती शायद मेरी ही है, मुझे ही उन सब पे नजर रखनी चाहिए थी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन माँ, उस परिवार के लोगों ने किया कैसे, वो देव इच्छाधारी नाग बना कैसे? हो सकता है वो नाग कोई और हो। नहीं, देव के सारे भाई बहन वहां से चले गए थे और वो नाग उसी खाई से ऊपर आया जिस खाई से देव गिरा था। माँ, क्या वो नाग आपको जाना पहचाना लगा? भले ही आप नाग लोक के सारे नाग नागिनों के साथ रिश्ता तोड़ चुकी हो,
पर आप उन नाग नागिनों को बहुत अच्छी तरह पहचानती हो, उनमें से कोई था? इसका मतलब पारे खानदान के हाथ नाग लोक की सबसे बड़ी शक्ति आ गई है। क्या मतलब? नागपुनी